हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब वड़कम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। मैं आपका दोस्त होस्ट आशीष एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल आशीष सोल फैमिली में। तो आइए आज के अपने इस ब्लॉग की शुरुआत की जाए। तो जैसा आप पीछे देख रहे हैं सारा सामान बाहर निकला हुआ है, आइए चलते हैं। क्या नहीं चलेंगे, नहीं बताएंगे तो नहीं चलेंगे। अरे भैया जहाँ से आए हैं वहां तो चलना पड़ेगा ना। चलिए चलते हैं घर। तो आइए चलते हैं, देख रहे हैं सामान एकदम जुटिया है। तो ये रही अपनी बिल्लो, आइए सामान रखते हैं। तो आइए चलते हैं। जयकारा सेरा वालिदा बोले सच्चे दरबार की जय। तो आइए चलते हैं अब घर की तरफ। चाबी ले लियो घर के। तो आइए अब चलते हैं आगे और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद दिन के उजाले में। तो ये देखिए दिन जो है निकल रहा है और अभी सूर्य भगवान का उदय तो नहीं हुआ है, लेकिन बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। रोड के दोनों ओर जंगल जैसा है, और बहुत घना जंगल तो नहीं है पर फिर भी जंगल जैसा ही है। और सुबह का वक्त वो भी गर्मियों का बहुत ही बढ़िया। तो गाइस हम लोग चंद्रपुर से निकल चुके हैं और लगभग 75 किलोमीटर रन कर लिया है और 85 किलोमीटर अभी बचे हुए हैं नागपुर पहुंचने के लिए। और नागपुर पे पहुंचते ही थोड़ा बहुत चाय वगैरह लेंगे, क्योंकि सुबह जो है चाय वगैरह नहीं बनाई थी। चंद्रपुर की बात करें तो चंद्रपुर जो है महाराष्ट्र स्टेट का जो है एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, और 1981 तक ये इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट था। और 1981 में गढ़चिरौली और सिरोज इससे जो है सेपरेट हो गए थे, और उसके बाद जो ये इंडिया के बिगेस्ट डिस्ट्रिक्ट प्लेस की जो इसकी पहचान थी वो इससे छिन गई। और ये जो है इरई और झरपट इन दो नदियों से तीन तरफ से घिरा हुआ है, और जो चंद्रपुर है इसे गोंड डायनेस्टी के कंडक्या बल्लाल शाह ने बसाया था। और इसका पहले पुराना नाम जो है चांदा चांदा करके नाम था। चांदा का मतलब होता है कि चांद का घर, और इसे इंद्र की नगरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो टूरिस्ट प्लेस हैं, जैसे कि आपका महाकाली मंदिर जो कि कंडक्या बल्लाल शाह की जो रानी थी हीराई ने ही बनवाया था, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो कि अभी नवनिर्मित है कुछ समय पहले ही 2015 के आसपास जो है उसका निर्माण हुआ, और अबुल कलाम आज़ाद पार्क जो है वो भी मैंने आपको विज़िट कराया। और चंद्रपुर से 25 किलोमीटर दूर जो है भद्रावती है, वहाँ पे बौद्ध गुफा है जिसमें जो है भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, 2000 साल पुरानी प्रतिमा है, तो वो भी आपने देखी होगी हमारे वीडियो के माध्यम से, जिसे गौतम पुत्र सतकर्णी ने बनवाया था। मेन चीज़ है वो है तड़ोबा नेशनल पार्क, मैं नहीं जा पाया। वजह ये थी कि वहाँ पे जो उसकी फ़ीस थी वो बहुत ज़्यादा थी, लगभग 4000 रुपये जिप्सी का लगता है, और यदि आप 5-6 लोग हों तब तो ठीक है, नहीं तो फिर सिंगल पर्सन के लिए बहुत महंगा हो जाता है, तो इस वजह से मैं गया नहीं। और फिर वहाँ पे एक इशू ये भी था कि कुछ पता किया तो पता चला कि वहाँ पे जो मोबाइल से जो है वीडियो शूट करना अलाउ नहीं है, मोबाइल जो है वो ले लेते हैं, और तो वो भी एक इशू था कि फिर मैं क्या करने जाता। तो मेरा मेन मकसद तो यही था वीडियो बनाने का, और फिर मोबाइल से इतना ज़्यादा जो है जंगल में
इतना अच्छा वीडियो बन नहीं पाता, क्योंकि जो जानवर जो होते हैं वो दूर होते हैं, उसके लिए पूरा जूम करना, तो उसके लिए पूरा प्रॉपर एक DSLR कैमरा चाहिए, तो वो अपने पास था नहीं, तो उस वजह से मैंने ये सब देखते हुए उसको कैंसिल कर दिया। और एक आध दो जगह और हैं, रामाल्ला बगीचा और रामाल्ला जो है तालाब है, तो वो इतना कुछ खास इस समय नहीं है, क्योंकि मैंने पता किया तो थोड़ा सा गंदगी है वहाँ पे, और जो है पानी वगैरह भी नहीं था, तो मैंने डिसाइड किया कि क्या करना जाना वहाँ पे, तो इस वजह से नहीं गया था। तो ये कुछ परिचय था चंद्रपुर के बारे में। और इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पे सीमेंट की काफ़ी फैक्ट्रियाँ हैं, थर्मल पावर प्लांट है, तो यही सारी चीज़ें हैं चंद्रपुर में। तो बस चंद्रपुर में थोड़ा बहुत मैंने घूम लिया है, और आइए अब चलते हैं रीवा की तरफ, तो अपनी यात्रा में है, और अभी तो भैया ड्राइव कर रहे हैं, चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो हम नागपुर से पहले थोड़ा सा कट लिए हैं जबलपुर के लिए, ये देखिए जबर लग रहा है भैया, जबर। ये देखिए पूरा जंगल के ऊपर से पूरा जो है फ्लाई ओवर बना दिया गया है, बहुत ही बढ़िया। तो ये देखिए पेंच टाइगर रिजर्व, और पूरा रिजर्व के ऊपर से फ्लाई ओवर बना दिया गया है, जिससे जो है जानवरों को कोई हानि ना हो, और अगल बगल फिनिशिंग कर दी गई। खवासा बॉर्डर है ये लगता है। हवासा बॉर्डर हम MP में एंटर कर चुके हैं। तो ये देखिए बहुत सारी टर्निंग, बरसात में मैं आया था, पहला विजिट मेरा हुआ था महाराष्ट्र में, बहुत ही बढ़िया लगता है। अभी तो गर्मी है, इस वजह से हरियाली कम है, वरना बादल और वो तो बहुत ही अच्छा लगता है। पूरा पहाड़ काट के बनाया गया है। तो हम सिवनी के थोड़ा सा पहले रुक गए हैं, और यहाँ पर चाय वगैरह पियेंगे, तो आइए चलते हैं। भैया दो चाय और दो आलू पराठा कर दीजिए। तो अपना नाश्ता हो गया है, और आइए चलते हैं अब आगे की यात्रा पे। देखिए कितनी बढ़िया बनी गई, तो एक थैंक यू तो बनता है गडकरी जी को। तो ये देखिए पूरा जंगल जो एकदम सूखा पड़ा हुआ है, केवल कुछ ही पेड़ है, जैसे पीपल हो गया, अंजीर हो गया, यही बस केवल हरे हैं। और ये बरसात में आइए आप तो पूरा ग्रीनरी
बज रहे हैं और 135 किलोमीटर है अभी सतना यहाँ से। धूप इतनी ज़्यादा हो गई कि एसी बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा। मैंने ज़्यादा तो नहीं 60 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चलाई है और उसके बाद भैया को फिर से दे दी। आगे करेंगे, अभी नहीं कर रहा हूँ। तो अभी कहीं आगे रुकेंगे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए, कि थोड़ा बहुत चाय वाय की ज़रूरत समझ में आ रही है, चाय वगैरह पियेंगे और गाड़ी भी ठंडी हो जाएगी थोड़ी, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सतना में थोड़ा सा रुकना भी है तो सतना में रुकते हुए जाएंगे, एक आध घंटे का स्टे करेंगे और फिर आगे निकलेंगे रीवा के लिए। तो आइए चलते हैं आगे। तो हम लोग कटनी पहुंच गए हैं और अभी ढाबे पे रुके हैं चाय के लिए, थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर चलेंगे आगे की ओर। तो आइए चाय पीते हैं। तो वही चाय पीते हैं और कुछ खा लेते हैं। तो अपना खाना हो गया है, चाय पी जा रही है नींद को दूर भगाने के लिए, क्योंकि तो सुबह के उठे हुए हैं 3:30 के आसपास। तो आइए अब चलते हैं, अपना खाना भी हो गया, चाय भी हो गई। Let's go. What an hour. गाड़ी एकदम तंदूर बन गई है, कहाँ है इसको बहुत ज़्यादा गर्म, एकदम धूप था उस वजह से पूरी गाड़ी गर्म हो गई है, पेड़ कहीं था नहीं। आइए चलते हैं। बोलो अम्बे मात की जय। हम लोग लगभग 600 से ऊपर किलोमीटर चले आए, लेकिन रोड के दोनों तरफ इस तरह से पेड़ जो है नहीं दिखे। पहले हमेशा ऐसे ही रहता था, रोड के दोनों तरफ आम के पेड़ ज़रूर रहते थे, पर आजकल रोड चौड़ीकरण के चक्कर में सारे जो पेड़ होते हैं वो काट दिए जाते हैं और फिर बस फूल पत्ती लगा दी जाती है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और हम सतना पहुँचने ही वाले हैं, तो आइए चलते हैं आगे की ओर। तो आइए, हम सतना पहुंच चुके हैं हम लोग भाभी के यहाँ। तो आइए चलते हैं अंदर की ओर। तो आइए अब मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, थोड़ा आराम कर लिया जाए और फिर निकलेंगे रीवा की तरफ। तो गाइस 5:30 बज रहे हैं और हम अभी रीवा के लिए निकल चुके हैं। यहाँ पे कुछ काम करने लगे थे तो इस वजह से लेट हो गया, लगभग 3:30 आए थे और 5:30 बज रहे हैं, कोई बात नहीं। तो अब चलते हैं रीवा की तरफ।
ले लीजिए, हम लोग घर पहुंच गए हैं और चलिए फिर थोड़ी देर से मिलते हैं। 7:15 के आसपास जो है हम यहाँ पहुंच गए थे। थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, तो आइए आज के अपने इस ब्लॉग को ही पेंट करते हैं। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। टिल देन स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए, और अपनी व्यस्तता से थोड़ा सा समय निकाल करके आशीष सोल फैमिली जरूर देखते रहिए। फिर मिलेंगे हंसते हंसते। टिल देन पीस।